हेलो दोस्तों, कार दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं स्कॉडा स्लेविया का टॉप मोस्ट वेरिएंट स्टाइल। दोस्तों टॉप मोस्ट वेरिएंट में सनरूफ एंड नॉन सनरूफ दो वेरिएंट आते हैं। सनरूफ वाला वीडियो रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप चेक कर रहे हैं इसका नॉन सनरूफ वाला वेरियंट। दोस्तों ये आती है 1 लीटर के TSI पेट्रोल इंजन और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में, जिसका प्रेजेंट का एक्सोरूम कॉस्ट है 13,99,000 रुपीज़। एक्सोरूम पे मैं RDO इंश्योरेंस TCS ऐड कर दूँ तो ये UP में ऑन रोड हो जाती है 16,07,359 रुपीज़ की। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं नॉन सनरूफ वाला टॉप मोस्ट वेरियंट स्कॉडा स्लेविया। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सिग्नेचर स्कॉडा ग्रिल देखने को मिलेगी। सराउंड यहाँ पे देखिए बोल्ड क्रोम का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी देखिए फ्रंट से प्रीमियम लुक देती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जब चेक करेंगे इसके हेडलैम्प्स, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। ये देखिए L शेप की DRL लाइट्स दी हुई है। नीचे की तरफ देखिए फॉग लैंप्स दे रखे हैं और फॉग लैंप्स के ऊपर तरफ यहाँ पे देखिए क्रोम को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी फ्रंट से खूबसूरत लग रही है। दोस्तों ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है इसका ब्रिलियंट सिल्वर कलर। तो चलिए फ्रंट से हमने चेक कर लिया स्कॉडा स्लेविया नॉन सनरूफ स्टाइल वेरिएंट को। आ जाते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ और यहाँ से देखते हैं वन फ्रेम व्यू। तो ये देखिए, ये है एक लंबे साइज़ की 45-41 mm इस गाड़ी की लेंथ है और व्हील बेस है 26-51 mm का। तो चलिए साइड प्रोफाइल में एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में। तो बढ़ते हैं इसके 16-inch विंज एलॉय व्हील्स की तरफ। यहाँ पे आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, देखिए डुअल टोन ये एलॉय व्हील का लुक आ रहा है। और साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 205/55 R16-inch के ये व्हील्स मिल जाएंगे। अब देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे स्कॉडा को मेंशन किया हुआ है। सराउंड्स यहाँ पे क्रोम चेक कर सकते हैं। आ जाते हैं इसके मिरर्स की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर्स इंसर्ट के साथ इसमें मिरर्स दे रखे हैं। हैंडल्स भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए बॉडी कलर और क्रोम इंसर्ट्स हैंडल्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, इसमें स्मार्ट कीज आती हैं। अभी सब चीज़ें आपको थोड़े से देर में आपको बताते हैं, बाकी चलिए और चीज़ें देखते हैं। तो इस तरफ मिल जाएगा आपको पेट्रोल इंटेक एरिया, 45 लीटर का इसमें पेट्रोल टैंक आता है। बाकी अगर आप साइड प्रोफाइल में यहाँ पे चेक करिए तो कितनी शार्प कैरेक्टर लाइंस दे रखी हैं, जो कि देखिए इस गाड़ी को स्पोर्टी भी बनाती हैं और साथ में एरोडायनेमिक्स को भी इम्प्रूव करती हैं। और इस तरफ देखिए तो इस गाड़ी को प्रीमियम बनाने के लिए यहाँ पर क्रोम का देखिए बेल्ट लाइन यूज़ की गई है। चलिए आ जाते हैं इस गाड़ी के बैक साइड में और देखते हैं क्या कुछ आपको मिलेगा स्लेविया स्टाइल नॉन सनरूफ वाले वेरिएंट में। तो ये देखिए, ये आप बैक से इस गाड़ी को चेक कर रहे हैं। पीछे के बम्पर्स जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा। देखिए क्रोम की एक लाइन दे रखी है, जो कि इस गाड़ी को बैक से खूबसूरत बनाती है, प्रीमियम लुक देती है। सेंसर्स मिल जाएंगे, साथ में यहाँ पे देखिए कैमरे को लगाया गया है। कैमरे का लेंस है, मदद करते हैं कैमरा एंड सेंसर्स गाड़ी को बैक करने में। देखिए LED पैटर्न पे स्प्लिट टेल लैंप्स आप चेक कर सकते हैं। बाकी इस स्कॉडा को देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है और स्लेविया ये देखिए इधर मार्क कर रखा है। बाकी वेरिएंट एम्बलम अब जनरली आपको किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। ऊपर साइड देखिए यहाँ पे डिफॉगर्स दे रखा है और खूबसूरत दिया हुआ है इसका शार्पिन एंटीना, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है। तो दोस्तों स्कॉडा स्लेविया स्टाइल वेरिएंट नॉन सनरूफ वाला वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं बाबा पॉइंट आउट नॉन सनरूफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सनरूफ एंड नॉन सनरूफ में कुछ फीचर डिफरेंसेज हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इस गाड़ी को एक्सटीरियर से देख लिया, अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ और इंटीरियर को करते हैं एक्सप्लोर। दोस्तों ये देखिए, ये है इस गाड़ी की कीज़ आपके सामने, दो स्मार्ट कीज़ दे रखी हैं, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है और देखिए एक एमरजेंसी फ्लिप की मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए एक रिक्वेस्ट सेंसर है, ये कीज़ बस आपके पास में होनी चाहिए। इस बटन से भी गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं और बाकी आप इससे भी लॉक अनलॉक कर लीजिए। और जैसे आप गाड़ी को लॉक करेंगे देखिए इसके आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहे हैं, और जैसे ही मैं इसको करता हूँ अनलॉक तो ये देखिए ओपन हो जाएंगे। तो एक प्रीमियम ऑटोमेटिक ओवरव्यूम्स मिल जाते हैं। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर को। तो ये देखिए, ये है स्लेविया टॉप मोस्ट वेरिएंट स्टाइल आप चेक कर रहे हैं, नॉन सनरूफ वाला वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंटीरियर आप देख लीजिए, डुअल टोन इंटीरियर दे रखा है। थीम यहाँ पे देखिए बेज एंड ब्लैक कलर की दी हुई है। अपहोल्स्ट्री की बात करेंगे तो उसमें आपको लेदर सेटिंग्स मिलेगी। ये लेदराइट सीट्स आप चेक कर सकते हैं, प्रीमियम क्वालिटी की सेटिंग्स हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट दे रखी है, हाइड्रोलिक लीवर है। इसके अलावा अगर हम डोर पैनल्स को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, ये इस साइड तो हार्ड है लेकिन आर्मरेस्ट जो है वो लेदर पे यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी प्रीमियम फील देती है। बाकी इस साइड पे बॉटल होल्डर हैं, स्पीकर्स लगे हैं और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी ये देखिए
स्ट्रिंग दे रखी है मैक्सिम्स वगैरह को लगाने के लिए। कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे चारों पार विंडो के, यहाँ पे आउटसाइड मिरर्स के कंट्रोल्स दे रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका जो ड्राइविंग साइड का मिरर है, मैं पहले तो इग्निशन ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया हुआ है। कीज को मैं रख देता हूँ इस साइड पे और जरा मैं इग्निशन को ऑन करते हैं और अब दिखाते हैं इसका मिरर। तो देखिए वन टच डाउन एक बार में नीचे जा रहा है और ये वन टच अप है विद, ये देखिए एंटी पिंच मेरे हाथ को सेंस किया, रोल बैक कर गया। तो यहाँ पे दोस्तों अब आगे के फीचर्स अभी जब आगे बैठेंगे तब आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। पहले जरा मैं आपको एक बार चलता हूँ सबसे पीछे की तरफ और बूट चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए ये है स्लेविया, बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है 521 लीटर्स का। और दोस्तों इसके बूट स्पेस में खासियत भी है, यहाँ पे जो इसकी पीछे की सीटिंग है ये 60-40 स्प्लिट दी हुई है, यानी आप चाहें तो इसकी सीट को इस तरीके से देखिए बेंड कर देंगे। और ये देखिए इधर का पूरा जो बूट कंपार्टमेंट और पैसेंजर कंपार्टमेंट ओपन हो गया, जिसकी वजह से आप इस साइड पे लगेज रख सकते हैं, इस साइड बैठ सकते हैं, या फिर इस सीट को वापस उठा दीजिए, इसको गिरा दीजिए, या फिर दोनों ही गिरा के एक बड़े साइज़ का 1050 यानी 1050 लीटर का बूट स्पेस बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर दोस्तों इस पे मिलता है। बाकी स्पेयर व्हील जो है वो ये देखिए इधर रख रखा है और बाकी व्हील्स की तरह नहीं दिखता है क्योंकि ये स्टील पे है, ये देखिए। और साइज़ की बात करेंगे तो ये भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप रीड कर पा रहे हो तो, ये दोस्तों R15 इंच में यानी 1 इंच स्पेयर व्हील इसका छोटा दिया है बाकी व्हील से। तो एक तरीके का ये हो गया एमरजेंसी व्हील। बाकी देखते हैं बूट लैंप किस तरफ दे रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे इधर की तरफ बूट लैंप आपको मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके केबिन की, एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ आपको फीचर्स मिलेंगे इसके केबिन पे। तो चलते हैं पीछे की सीटिंग की तरफ। तो देखिए ये है बैक डोर, यहाँ पे दोस्तों देखिए लेदर आर्मरेस्ट इधर भी दे रखा है, स्पीकर्स लगे हैं, ट्यूटर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाटर होल्डर। अब बढ़ते हैं इसकी बैक सीटिंग पर। तो देखिए कम्फर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, यानी सेंटर पैसेंजर के लिए भी इसमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस दिया हुआ है। और अगर बीच में कोई नहीं बैठा है तो एक इस तरीके का आर्मरेस्ट ओपन कर लीजिए, देखिए कितना सॉफ्ट है। 2 कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। बैठते हैं जरा गाड़ी के पीछे की सीटिंग पे और देखते हैं स्पेस। दोस्तों मेरी हाइट है 5'8". ड्राइविंग सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट करी हुई है और आप देख सकते हैं इसके लेग रूम को, मेरे हिसाब से तो बेस्ट इन सेगमेंट लेग रूम आपको इसमें मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसके पीछे की सीटिंग पे। ये देखिए सेंटर हम दिखाता हूँ तो ज़्यादा ऊंचा नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लोर कितना बड़ा दिया हुआ है, तो आराम से पैर को रख सकते हैं कंफर्ट को बढ़ाने के लिए। पीछे एसी वेंट्स हैं, टाइप सी 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे। अब देखिए इस तरफ पॉकेट दी हुई है और देखिए मोबाइल पॉकेट भी आपको देखिए दोनों तरफ मिलेगी। बाकी ऊपर साइड दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल्स हैं ये फोल्डिंग टाइप हैं, इस तरफ आपको मिल जाएंगी LED, देखिए लैंप दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों और चीज़ें चेक करते हैं। तो देखिए स्कॉडा वैसे भी जानी जाती है अपने सेफ्टी के लिए, इसमें पीछे की सीटिंग्स पे आइसोफिक्स सीट्स की मार्किंग है, यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है। बाकी अगर सीटें चेक करी तो देखिए यहाँ पे परफोरेटेड सीट्स हैं, यानी ये कंफर्ट को देंगी। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं जो कि आगे की सीटिंग्स में मिलेंगी, वो भी आगे बैठ के आपको चेक करा देंगे, पीछे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं बाकी फ़ीचर्स को। बैठते हैं दोस्तों इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे और आपको दिखाते हैं स्कॉडा स्लेविया। दोस्तों ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर डिज़ाइन लुक थीम आपके सामने, देखिए बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड डिज़ाइन चेक करेंगे तो देखिए पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ है, ऊपर साइड देखिए ब्राउन कलर की ये गार्निश दे रखी है। और इस साइड पे आते हैं तो देखिए इसके जो AC वेंट्स हैं ये भी देखिए क्रोम इंसर्ट्स के साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, स्टीयरिंग भी देखिए कितना खूबसूरत दिया हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी क्रोम का आपको देखिए यूज़ देखने को मिलेगा। और इवन अगर आप बटन्स चेक करेंगे तो ये देखिए इसमें बहुत ही खूबसूरत देखिए ये डायलर दे रखा है, क्रोम फिनिश में है। इस साइड पे जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसके लिए भी देखिए यहाँ पे इस तरीके के बटन्स दिए हुए हैं। क्रूज़ कंट्रोल दोस्तों ये वेरिएंट कवर करता है। इसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग है
यहाँ पे एडजस्टेबल है, देखिए इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग देखिए इसमें मिलेगा। बाकी दोस्तों एज अ सेफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दे रखे हैं। इसमें 6 एयरबैग्स हैं, एक एयरबैग तो देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग पे लगा हुआ है, दूसरा एयरबैग फ्रंट पैसेंजर के सामने यहाँ पे मिल जाएगा, साथ में इसमें कर्टन एयरबैग्स दिए हुए हैं, सीटों पे भी यहाँ पे चेक कर लीजिए फ्रंट की सीटों में भी एयरबैग्स मिल जाएंगे। तो 6 एयरबैग्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिया है, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग है, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप कर लीजिए चेक। चलिए बात करते हैं इसके मीटर की। तो यहाँ पे देखिए ये है नॉन सनरूफ वाला टॉप मोस्ट वेरिएंट स्कॉडा स्लेविया स्टाइल। इसमें दोस्तों यहाँ पे मीटर जो है वो वर्चुअल कॉकपिट यानी डिजिटल पैटर्न पे नहीं दे रखा है। इसमें जो इसके नीचे वाले वेरियंट्स आते हैं वैसे ही इसमें ये इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलेगा, जिसमें देखिए स्पीडोमीटर है, इस साइड पर फ्यूल कॉस्ट दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पर RPM मीटर और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, सेंटर पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। इसमें अगर हम इन्फॉर्मेशन को स्विच करेंगे तो यहाँ पे कुछ फीचर्स चेक कर सकते हैं, ये देखिए इसमें कई सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कि माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल स्पीड, इस तरीके से आप यहाँ पे कई सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ये देखिए। बाकी यहाँ पे देखिए तो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गया इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात। म्यूज़िक सिस्टम देखिए इसमें टच स्क्रीन दिया हुआ है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं नीचे की तरफ तो एसी क्लाइमेट्रॉनिक्स यानी टच पैनल का एसी दे रखा है, देखिए जितने बटन्स हैं ये इस सब इसमें टच पैनल पे दिए हैं। टेम्परेचर बस आपको यहाँ पे सेट करना है, ऑटो मोड पे कर दीजिए, ये केबिन पे वो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। फर्दर नीचे चेक कर लीजिए तो ये देखिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स इधर भी मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जर देखिए इधर दे रखा है, अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो इसको पर अपना फ़ोन रख दीजिए, बिना किसी कह लीजिए वायर के यहाँ पे फ़ोन आपका चार्ज होने लगेगा। और अगर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो उनके लिए भी यहाँ पे देखिए चार्जिंग पोर्ट्स आगे और पीछे दिए हुए हैं। इस साइड पे देखिए तो इधर 12 वोल्ट का पावर आउट भी है, आप 12 वोल्ट का भी मोबाइल चार्जर परचेज कर सकते हैं या फिर कोई और अटैचमेंट जो 12 वोल्ट को सपोर्ट करता है वो आप यहाँ पे लगा पाएंगे। कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट चेक कर लीजिए तो देखिए स्लाइडिंग पैटर्न पे आर्मरेस्ट है और अंदर तरफ इसमें बॉक्स दिया हुआ है। चलिए इसका ग्लव बॉक्स भी दिखा दूँ तो ये देखिए यहाँ पे कूलिंग फीचर के साथ ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। ऊपर साइड देखते हैं तो इसमें देखिए ये है मैनुअल डे नाइट वाला फीचर, अगर ये सनरूफ वाला वेरिएंट लेते तो ये ऑटो डिमिंग मिलता। बाकी इस साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए एलईडी मैप लाइट्स इधर भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए सनग्लास होल्डर दिया हुआ है। और अगर हम ऊपर साइड दिखा दें तो ये वेरिएंट नॉन सनरूफ मैं आपको चेक करा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसकी डिज़ाइनिंग की तो बहुत ही खूबसूरत इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और स्पेस वाइज बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लेगरूम मिलता है स्कॉडा स्लेविया में। चलिए बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, तो ये देखिए ये है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये वाला वेरिएंट दोस्तों सिर्फ 1 लीटर के TSI पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल पे ही आती है, इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। और रिवर्स गियर लगाने के लिए ऐसे इसको नीचे करिए और रिवर्स गियर जैसे लगाएंगे तो देखिए सेंसर्स कैमरा दोनों वर्क कर रहे हैं, बीप सेंसर्स की है, जो पीछे कैमरे का लेंस लगा है वो देखिए पीछे का क्लियर व्यू दिखा रहा है विद गाइडलाइंस। तो ये हो गए दोस्तों इस गाड़ी के ट्रांसमिशन एंड कैमरे की बात। अब एक और प्रीमियम फीचर आपको चेक कराता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे फ्रंट की जो ये दोनों सीटें हैं ये वेंटिलेटेड हैं, इन बटन्स को अगर मैंने ऑन कर दिया है उसके बाद ये जो सीटें हैं यहाँ से एयर आने लगेगी और ये ठंडी होंगी, तो वो बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही कंफर्टेबल फीचर है गर्मियों के समय पे जब ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो ये करता है मदद। और यहाँ पे आप इसके लेवल्स 2 दे रखे हैं तो आप कम ज़्यादा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर भी है दोस्तों, अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है गाड़ी जैसे ही आइडल कंडीशन पर आएगी बंद हो जाएगा इंजन और हम क्लच को प्रेस करेंगे वापस स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्यूल सेविंग फीचर है। और ये सेंट्रल डोर लॉक का बटन दिया हुआ है। तो दोस्तों स्कॉडा स्लेविया स्टाइल वेरिएंट नॉन सनरूफ में क्या कुछ मिलता है सारी चीज़ें हमने चेक कर ली। अब चलिए बात करते हैं इसके इंजन की और बोनट ओपन करते हैं यहाँ से।
दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं 1 लीटर का TSI टर्बोचार्ज स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन पेट्रोल इंजन। ये पेट्रोल इंजन टर्बोचार्जर के साथ दिया हुआ है, छोटा डिस्प्लेसमेंट है, 999 cc का 3 सिलेंडर पर बना है, लेकिन टर्बोचार्जर लगे होने की वजह से ये पावर बना लेता है 85 किलोवाट यानी 115 PS का, 5000 से लेके 5500 RPM तक। टॉर्क है 178 Nm का, 1750 से लेके 4500 RPM तक। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन पे माइलेज क्लेम किया गया है 19.47 किलोमीटर पर लीटर में। तो दोस्तों आपने चेक कर ली स्कोडा स्लेविया का टॉप मोस्ट वेरिएंट स्टाइल नॉन सनरूफ वेरिएंट। यहाँ पे दोस्तों सनरूफ वाले वेरिएंट से थोड़े से फीचर्स कम मिलते हैं, लेकिन अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स ये गाड़ी कवर करती है। बहुत ही अच्छा आपने इसमें देखा, स्पेस काफ़ी खूबसूरत इसमें डिज़ाइनिंग दी हुई है। सारी चीज़ें मैंने अपने इस वीडियो में आपको चेक करा दी। दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों इस गाड़ी और हमारे वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके लिख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं अभी तक कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।